हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। यू नो दैट गाइस, वी आर डीलिंग दिस चैप्टर एंड नाउ वी आर इन द पॉइंट ऑफ द सर्चिंग फॉर जेनेटिक मटेरियल। ओके, दैट मीन हिस्ट्री रिगार्ड द जेनेटिक मटेरियल। ओके, यस यू कैन से दैट कि वो डेटा जिसके थ्रू हमने पता लगाया हमारे साइंटिस्ट ने कि यस एक्चुअल में जेनेटिकली ट्रांसफॉर्मेशन जो ट्रेड्स का होता है पेरेंट्स टू देयर जनरेशन, वो एक ही मॉलिक्यूल की वजह से होता है जिसको कहा जाता है डीएनए। ओके, लेकिन ये रिसर्च तक जाने के लिए बहुत सारे प्रैक्टिकल परफॉर्म किए गए थे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए थे। उन्हीं एक्सपेरिमेंट में से कुछ एक्सपेरिमेंट आपकी एनसीईआरटी एक्सप्लेन करती है, तो लेट्स टॉक अबाउट दोज एक्सपेरिमेंट। ओके, फर्स्टली तो यस वी नो दैट कि द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस इज डन बाय विच साइंटिस्ट, आप लोगों को मैंने बताया हुआ है। न्यूक्लियन वॉज फर्स्ट फाउंड बाय द फ्रेडरिक मिशेल। ओके, रिमेम्बर नेम फ्रेडरिक मिशेल। ओके, ठीक है, ही वॉज अ साइंटिस्ट हु फाउंड द न्यूक्लियस। ओके, एट द सेम टाइम पीरियड एक और फेमस साइंटिस्ट है हु वर्क ऑन अ इनहेरिटेंस प्रिंसिपल, ओके, एंड नेम प्लीज। यस यस यस, वेरी गुड, मेंडल। ओके, जीजे मेंडल वॉज अ साइंटिस्ट, अ फेमस साइंटिस्ट हु वर्क ऑन अ इनहेरिटेंस प्रिंसिपल। ओके, बट दिस इज नॉट ए इनफ डेटा गाइज। ओके, ये इनफ डेटा नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज अगर मैं प्रेजेंट सिनेरियो की बात करूं ना, तो नाउ वी आर वेरी अवेयर दैट कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। ओके, विच एक्ट एज अ स्टोरेज ऑफ जेनेटिक थिंग्स। ओके, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का काम कर, अभी हमें ये पता है, लेकिन ऑन दैट टाइम पीरियड इनमें से किसी को नहीं पता था कि एक्चुअल में डीएनए है। उस वक्त तक ये पता था कि बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स आर देयर, बायो केमिकल मॉलिक्यूल्स, ओके, विच इज आरएनए, डीएनए एंड दी प्रोटीन्स, बट किसी को ये नहीं पता था कि एक्चुअल में दिस इज द जेनेटिक मटेरियल। ओके, कंफ्यूजन क्वेश्चन मार्क सभी को था कि वो कौन सी थिंग है जो एक पेरेंट से उसके जनरेशन तक ट्रेट्स को ट्रांसफर कर रही है, एक सेल से उसकी इन्फॉर्मेशन अनदर सेल तक ट्रांसफर कर रही है। किसी को नहीं पता था, लेकिन इनके बारे में पता था कि यहां तक की डिस्कवरी हो चुकी थी भाई, लेकिन ये डिस्कवरी अभी भी बहुत ज्यादा फेडरेट थी, इतना ज्यादा नॉलेज किसी को नहीं थी, राइट। सो यहां तक हमें पता था, यहां तक हम पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। इसके बाद इन द ईयर ऑफ 1926 एक न्यू इरा का ओरिजिन हुआ, विच इज द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ओके, और इन दिस ईयर जो रिसर्च चल रही थी, 100 साल पहले जो रिसर्च चल रही थी इस जेनेटिक मटेरियल की सर्चिंग के लिए, इस ईयर में आके ये मॉलिक्यूलर लेवल पे फाइंड आउट करा जाने लगा कि एक्चुअल में वो कौन है जो एज जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करता, राइट। ओके, नेक्स्ट इसी कंटेक्स्ट पर, ओके, और सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया गया वो किया गया ग्रिफिथ के थ्रू, फ्रेडरिक ग्रिफिथ के थ्रू। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट द ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। दिस इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, ओके, विच इज परफॉर्म टू फाइंड द जेनेटिक मटेरियल। ओके, लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला था। क्या होता, देयर वॉज अ साइंटिस्ट हूज नेम इज अ फ्रेडरिक ग्रिफिथ। ओके, ही वॉज अ साइंटिस्ट जो आई थिंक ब्रिटिश में कोई डॉक्टर थे, ही वॉज अ ब्रिटिश डॉक्टर। ओके, डॉक्टर ग्रिफिथ जो थे वो ब्रिटिश थे। ओके, ही स्टडी द पैथोजेनेसिटी ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया। ओके, ही जस्ट वॉन्टेड टू प्रिपेयर द वैक्सीन अगेंस्ट द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ओके,
So we can say that he just work on the streptococcus, spelling देख लेना, pneumonia. Okay, it is the bacteria. Okay, which cause the disease pneumonia. ये वो बैक्टीरिया है जो क्या कॉज करता है भी डिसीज कॉज करता है निमोनिया की. राइट ओके. तो जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ थे जो कि डॉक्टर थे वो इसके अगेंस्ट वैक्सीन प्रिपेयर करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने स्टडी करी पैथोजेनिसिटी ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया. ये कोकाई बैक्टीरिया है भाई, कोकस बैक्टीरिया है ये. ओके, जिसकी शेप कोकस टाइप की होती है, कोकस स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, तो इन्होंने मैंने कहा ही वर्क ऑन अ डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया. स्ट्रेन को समझो कि वी नो दैट बैक्टीरिया की बहुत सारी डाइवर्स फॉर्म होती है. ओके, वो कुछ वो अलग अलग डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखती है. तो उन्होंने उन सारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखने वाली जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की स्पीसीज थी उन सब पे वर्क करा. ठीक है, इसी वर्किंग के दौरान ही फाउंड दैट देयर इज अ टू स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया विच कॉज सच सरप्राइज रिजल्ट. ओके, अब वो सरप्राइज रिजल्ट क्या था, यहां देखो ये जो दो स्ट्रेन होने हम देखी, द फर्स्ट वन इज द रफ स्ट्रेन के जिसको आर से डिनोट करते हैं वो, और सेकेंड वन इज द स्मूथ स्ट्रेन. ओके, अब यहां पे देखो बेस्ड ऑन द दिस स्ट्रेन कंडीशन. ओके, दिस कलेक्टिव डेटा ही फाउंड दैट कि जो स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया है, ओके स्मूथ स्ट्रेन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया है, दिस बैक्टीरिया हैविंग अ सम प्रोटेक्टिव कवरिंग. ओके, हैविंग अ सम प्रोटेक्टिव कोट, और ये जो प्रोटेक्टिव कोट है वो एक म्यूकस पॉलीसेक्राइड से बना हुआ है. ओके, इस बैक्टीरिया को जो स्ट्रक्चर था वो कुछ इस तरीके के था कि भाई इसके चारों तरफ एक म्यूकस पॉलीसेकेराइड की प्रोटेक्टिव कोट लगा हुआ था जो कि इसको प्रोटेक्शन का काम दे रहा था. लिख ले यहां पर म्यूकस पॉलीसेकेराइड प्रोटेक्टिव कोट. दिख रहा है भाई यहां तक? ओके, ठीक है. सेम चीज यहाँ पे नहीं थी भाई, जो रफ स्ट्रेन थी हमारी वहां पे ऐसी कोई भी म्यूकस पॉलीसेकेराइड की कोटिंग नहीं थी, यहाँ पे ऐसी कोई भी प्रोटेक्टिव लेयर नहीं मिल रही थी. अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, देखो क्या करा एक्सपेरिमेंट, रफ कर दू यहाँ से इतना. ग्रिफिथ ने क्या करा, ही ग्रू अ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया ऑन अ कल्चर मीडियम और ही फाउंड दैट देयर इज अ टू स्ट्रेन. ओके, फर्स्ट वन इज द आर स्ट्रेन एंड सेकेंड वन इज द एस स्ट्रेन. ओके, एस स्ट्रेन वी नो दैट हैविंग अ म्यूकस पॉलीसेकेराइड लेयर विच हेल्प टू प्रोटेक्ट देयर जीनोम, पर आर स्ट्रेन में ऐसा कुछ नहीं था, दे डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ म्यूकस पॉलीसेकेराइड लेयर. ओके, वेन ही इंजेक्ट दिस स्ट्रेन आर स्ट्रेन को, वेन ही इंजेक्ट दिस स्ट्रेन इन टू अ माइस. ओके, उन्होंने जब रफ स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट करा तो ही फाउंड दैट जो माइस था वो लाइव रहा, उसको निमोनिया नहीं हुआ. ओके, सेम जब उन्होंने एस स्ट्रेन दोज हैविंग अ म्यूकस पॉलीसेकेराइड इंजेक्ट करी माइस में, ओके तो जो माइस था वो डाई हो गया, उसकी डेथ हो गई. ओके, माइस में जैसे ही उन्होंने एस स्ट्रेन को इंजेक्ट करा तो माइस की क्या होगी भाई, डेथ होगी, माइस बिकम डाई. ओके, ही फाउंड दैट, ही कंक्लूड दैट कि यस एस स्ट्रेन इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉज अ निमोनिया इन माइस. ओके, दैट मीन इट इज अ वायरुलेंट स्ट्रेन, उन्होंने लिख दिया भाई वायरुलेंट स्ट्रेन विच कॉज द डिसीज, और आस्टन इज अ नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन. ओके, ये पैथोजेनिसिटी पे ही वर्क कर रहे थे तो उन्होंने देख कह दिया कि भाई ये एस स्ट्रेन जो थी निमोनिया की
स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया की, दे कॉज द निमोनिया ओके, लेकिन जो आर स्ट्रेन थी वो निमोनिया कॉज नहीं कर रही थी। ठीक है, यहां तक तो भाई समझ में आया। उसके बाद उन्होंने कंक्लूड कर दिया अपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में कि भाई ऐसी चीज है ओके। इसके बाद इन्होंने एक और सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट करा ओके, एक और सेकेंड एक्सपेरिमेंट करा सेम कंटेंट पे सेम डेटा पर। ऑन हिज सेकेंड एक्सपेरिमेंट सेम ही ग्रो अ स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया इन अ कल्चर मीडियम एंड ऑब्टेन दिस काइंड ऑफ टू स्ट्रेन आर स्ट्रेन एंड द स्मूथ एस स्ट्रेन सॉरी राइट ओके। लेकिन उन्होंने अब क्या करा, इस स्मूथ स्ट्रेन को हीट किल कर दिया भाई ओके, जो प्रोटेक्टिव लेयर थी हीट की वजह से वो अब रिमूव हो गई ओके। ही अप्लाई हीट ऑन अ स्ट्रेन, आफ्टर दैट जो प्रोटेक्टिव लेयर थी इट जस्ट रिमूव ओके। आफ्टर दैट व्हेन ही इंजेक्ट दिस एस स्ट्रेन इनटू अ माइस, ही फाउंड दैट माइस आर अलाइव, माइस बिकम लाइव ओके। ही वॉज हैप्पी कि ये कैसे हुआ कि भाई जो स्ट्रेन पहले निमोनिया कॉज कर रही थी अब उस स्ट्रेन को हीट किल करने के बाद वो निमोनिया कॉज नहीं कर रही ओके। और इन्होंने कंक्लूड दिया कि ड्यू टू द हीट बैक्टीरिया बिकम डाई, हीट की वजह से जो स्ट्रेन निमोनिया कॉज कर रही थी वो उसने जीनोम बैक्टीरिया को पूरी तरीके से मार दिया, इसलिए माइस में निमोनिया हुआ ही नहीं। सेकेंड हैंड पर उन्होंने करा कि एस आर स्ट्रेन जो कि पता थी कि नॉन वायलुलेंट है, उसके साथ उन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन जो कि हीट किल्ड है, मरा हुआ बैक्टीरिया है भैया, तो ठीक है इंजेक्ट करा माइस में और ही फाउंड दैट माइस बिकम डाई ओके। नाउ ही वॉज अगेन सरप्राइज कि व्हाट हैपन विद दिस, कि इस वायरुलेंट स्ट्रेन में तो जब हीट करी तो वहां पे तो माइस लाइव रहे, लेकिन जब हमने आर स्ट्रेन जो कि नॉन वायरुलेंट थी और जो कि लाइव थी और उसमें एक डेडियस बैक्टीरिया ऐड करा जो कि हीट किल्ड की जा चुकी थी, उसमें माइस मर चुका, मर गया भाई। तो उन्होंने बोला देयर इज अ समथिंग विच एक्ट एज अ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ओके, जो कि इस हीट किल्ड बैक्टीरिया का वो थिंग जो कि निमोनिया कॉज करेगा उसको आर स्ट्रेन में पहुंचाया, उसको वायरुलेंट करा और वायरुलेंट करने के बाद माइस में निमोनिया कॉज कर दिया। तो इस समथिंग को उन्होंने नेम दे दिया भाई दिस इज दी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। उस समथिंग को उन्होंने क्या नेम दे दिया भाई, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की। यस, माइस जो था जब उसको डायग्नोस किया गया तो उसकी बॉडी में निमोनिया मिला ओके, निमोनिया की वजह से उसकी डेथ हो गई और उस डेथ का कॉज था निमोनिया जो कि हीट किल्ड बैक्टीरिया में वायरुलेंट फैक्टर था, वो इसकी बॉडी के ब्लड में मिला। तो उसकी वजह से उन्होंने कंक्लूड किया कि कुछ तो थिंग है जो कि ट्रांसफॉर्म हो रही है सेल टू सेल ओके, और वो ट्रांसफॉर्म करने के लिए कोई तो रिस्पॉन्सिबल है और उस रिस्पॉन्सिबल थिंग को उन्होंने नाम दे दिया इट इज अ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ओके। इन्होंने सिर्फ इतना बताया था, अभी तक ये नहीं पता चला कि वो कुछ तो थिंग है क्या ओके। इसके बाद क्या हुआ भाई, उनके साथ में या जो उनको क्रिटिसाइजर्स जो थे उन्होंने बोला कि हम ऐसे कैसे बिलीव कर लें कि वो समथिंग ने ही चीजों को ट्रांसफर कराओ ओके। इनके साथ जो काम या इनके टाइम पीरियड में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इनकी बात पे बिलीव नहीं करे बिकॉज ही डिड नॉट एक्सप्लेन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ दिस समथिंग ओके। उसके बारे में उन्होंने कुछ बायोकेमिकली नहीं बताया था, बस एक तुक्का लगा दिया कि कुछ तो ऐसा है जो कि एस स्ट्रेन के थ्रू आर स्ट्रेन में स्मूथ म्यूको जो म्यूको पॉलीसेक्राइड लेयर है उसको एक्टिवेट कर रही है, उसकी वजह से माइस की डेथ हो गई राइट। इसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट हुआ जिसको कहा जाता है एक्सपेरिमेंट ऑफ ऑस्वाल्ड कॉलिन एंड मैकार्टी ओके। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं, एक्सपेरिमेंट ऑफ ऑस्वाल्ड आवरी कॉलिन मैकलियोड एंड मैकलिन एम मैकार्टी ओके। ये तीन साइंटिस्ट है जिन्होंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करा। तो इनके एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या करा, दे
यूज अ प्यूरिफाइड बायोकेमिकल एंजाइम्स फॉर डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन. ओके, इन तीनों ने क्या यूज करे थे? प्यूरिफाइड बायोकेमिकल एंजाइम फॉर डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन. देखो यहां तक ना पता नहीं था भाई इनको इस टाइम पीरियड तक कि एक्चुअल में इनमें से कोई एक है जो जेनेटिकली बिहेव कर रहा है, जो जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव कर रहा है, जो ट्रांसफॉर्म कर रहा है ट्रेट्स को वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. ओके, इन्होंने उस प्यूरिफाइड बायोकेमिकल एंजाइम को यूज करा और सेम जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था वहां से ही कंटेन लिया. इनका मोटो था टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट. ओके, मोटो क्या था? टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. क्योंकि ग्रिफिथ किस पे वर्क कर रहा था भाई? ट्रांसफॉर्मिंग. ग्रिफिथ ने तो ये क्वेश्चन दे दिया भाई, ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है? तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उन तीनों ने एक्सपेरिमेंट कर डाला उन्हीं के डेटा पे. ओके, जहां पे इन्होंने क्या करा, इस बायोकेमिकल एंजाइम का यूज करा, वही स्ट्रेन जो ग्रिफिथ ने ली थी. इन्होंने कहा कि वेन एस स्ट्रेन, जो कि क्या है बेटा, हीट किल्ड है. ओके, ट्रीटेड विद प्रोटीएज एंजाइम, प्रोटीज एंजाइम को इन्होंने इसके यूज करा कि मान लो कि एस स्ट्रेन में अगर वो थिंग जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो प्रोटीन का है, ठीक है, तो प्रोटीज की हेल्प से वो डिग्रेड हो जाएगा और वो कॉज नहीं करेगा. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. प्रोटीज, यू नो दैट ना, इट इज अ एंजाइम विच डिग्रेड द प्रोटीन. ओके, जैसे इन्होंने एड करा इस स्ट्रेन में इस कल्चर मीडियम में, ही फाउंड इट जो माइस थे, जो लाइव आर स्ट्रेन थी, ओके, वहां पे तो कन्वर्जन हुआ, वो सेम रहा वायरुलेंट. दैट मीन जो माइस था वो फिर भी मर गया. दैट मीन अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद पता चला कि भाई प्रोटीन तो एक्चुअल में वो नहीं है जो कि जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव कर रही है. क्योंकि अगर प्रोटीन होता तो वो उसके जीनों को डिग्रेड कर देता और ये वायरुलेंट बिहेव नहीं करता. राइट, सेकेंड वन क्या करा इन्होंने, एस स्ट्रेन जो कि हीट किल्ड थी भाई. ओके, और सेकेंड एक्सपेरिमेंट में ही यूज दी नेक्स्ट एंजाइम विच इज नोन एज द आरएनएज. कि जो लाइव आर स्ट्रेन थी सेम वायरुलेंट रही भाई. ओके, उसने भी माइस को डेथ, माइस उस कंडीशन में मरा. तो यहां से भी इन्हें पता चला कि भाई आरएनए एंजाइम विद डिग्रेड द आरएनए. ओके, तो आरएनए भी भाई जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव. अब इसके बाद इनको कंफ्यूजन हुआ कि भाई कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारा डीएनए भी ऐसा कर दे. ठीक है, एस स्ट्रेन जो लीनो ने जो कि हीट किल्ड थी, दे ट्रीटेड एस स्ट्रेन विद डीएनए एंजाइम, और यू नो दैट डीएनए एंजाइम विद डिग्रेड द डीएनए. ओके, और जो लाइव आर स्ट्रेन में जब इसको ऐड करा तो ही दे सरप्राइज कि वो नॉन वायरुलेंट कॉज हुआ, नॉन वायरुलेंट. ओके, अब यहाँ पे उन्होंने देखा कि भाई ये तो कन्वर्टेड नहीं हुआ लाइव एस में, ठीक है, दैट मीन जो माइस थे वो तो मरे ही नहीं. ओके, तो इन्होंने कंक्लूड कर दिया कि यस, डीएनए इज द मॉलिक्यूल या डीएनए इज अ सब्सटेंस विच एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल. बट दे डिड नॉट अप्रूव दिस एक्सपेरिमेंट ड्यू टू द लैकिंग ऑफ नॉलेज अबाउट द डीएनए एंड डीएनए इज एंजाइम. ओके, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को एक्सेप्ट भी नहीं किया गया, अप्रूव भी नहीं किया गया ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज अबाउट दिस बायोकेमिकल एंजाइम्स और दिस बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स. तब तक इतनी नॉलेज कहाँ थी उन लोगों को, और उनके जो साइंटिस्ट थे, जो क्रिटिसाइजर थे, उन्होंने इनके एक्सपेरिमेंट को भी भाई नॉट एक्सेप्टेबल बोल दिया कि हम नहीं एक्सेप्ट कर रहे भाई इसके बारे में. तो अभी इतना पता ही नहीं है तो आप कैसे बोल सकते हो कि डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल.
ओके इनके एक्सपेरिमेंट को भी ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट की तरह नेग्लिजिबल कर दिया गया. क्यों? बिकॉज ऑन दैट टाइम पीरियड तक there is a lack of knowledge about this biochemical enzyme and this biochemical molecules, right? लेकिन एक्चुअल में इन्होंने एक हिंट तो दे दी थी कि भाई there is a something whose act as a genetic material, और वो something क्या है भाई? ग्रिफिथ ने तो something transforming principle बोल दिया था, लेकिन इन्होंने बोला DNA is the something who those act as a genetic material, right? इसके बाद एक और लास्ट एक्सपेरिमेंट हुआ जिसको कहा जाता है हर्से एंड चेज एक्सपेरिमेंट, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ओके आज के लिए इतना इनफ है. होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट एंड नाउ यू आर अवेयर की विच टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट आर परफॉर्म बाय आर साइंटिस्ट. ओके गॉड ब्लेस यू.